प्लीज प्लीज 100 मिनट रखन जी चलिए मानिए मानिए प्लीज 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 माय प्लीज प्लीज कल्याण जी प्लीज आपके सदस्य बोल रहे हैं आपके सदस्य बोल रहे हैं प्लीज एक चीज पे सर मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ सर चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है एक मिनट सदस्य नहीं है एक मिनट एक मिनट सर एक बार सुन लीजिए एक मिनट प्लीज माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए एक मिनट माननीय सदस्यगण हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें सर मैं प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको बोल दिया सर आप लोग तो बोलते हैं बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते क्यों नहीं एक मिनट क्यों नहीं एक आप उनको नहीं बोलने देना चाहते आप उनको डिस्टरबेंस कर रहे हैं प्लीज अभिषेक जी एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट मैंने सभी माननीय सदस्यों को आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे नो प्लीज बैठिए प्लीज माननीय ऐसे मत कीजिए प्लीज ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है अभिषेक जी मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूँ ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है नहीं है तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया सर आप अपना पद का मान रखिए सर उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा देन आई विल कंटिन्यू माई स्पीच नो सर यू हैव टू इंटरवीन सर यू आर द स्पीकर यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस नो सर एक मिनट प्लीज मैं हाथ जोड़ के ए बड़े जंतू हमी हाथ जंतू हमी हाथ बड़े प्लीज 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 आग्रह करता हूँ विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूँ सर उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते अध्यक्ष के नाते इस सदन का गरीबा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा नहीं प्लीज प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मांगे आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते मैंने उनका नाम निकाल दिया ऐसे कई बार हुआ है सदन में पहले निकाल दिया सर डी फॉर डिप्राइव यू स्पेंड 2,000 crore ऑन रिवैम्पिंग सेंट्रल विस्टा यू डिड दिस टू इम्प्रूव द होम्स ऑफ द रिच influential and powerful. What have you done for the homeless in the cities, towns and villages? Why have you deprived the homeless across India and Bengal? You are not only visionless and shameless. You are not... एक मिनट सर ही इज नॉट इवन लिसनिंग टू यू अब क्यों डिस्टर्ब मैं बाद में आपकी बात सुन लूंगा सर ही आपकी बात सुन लूंगा सर सो नहीं नहीं सब निकाल देंगे प्लीज सर, निकाल देंगे उसको भी सर ये तो आपका बात भी नहीं सुन रहे सर इस ऑब्सेशन विद ग्रैंडस्टैंडिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग द कंट्रीमैन फ्रॉम द रियल इश्यूज लिविंग इंडिया टू पे द प्राइस फॉर हिज डिक्टेटोरियल डिस्प्लेज सर ही अनाउंस्ड अनप्लान्ड लॉकडाउन The government's abrupt announcement of the national lockdown in March 2020 left citizens with only 4 hours to prepare, triggering a widespread chaos and hardship. So the unplanned and poorly implemented lockdown resulted in tragic deaths, over 8,700 people, primarily migrant workers on our railway tracks and roads. So now I come to farm bills. In 2020, the same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers,
और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑपोजिशन पार्टी। प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, इस सदन में किसान विधेयक। हाँ, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, किसान बिल पर। सर, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। सर भाई, उनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं, नहीं, पर माने सर, आपने ये सदन का याद दिलाया। एक मिनट माने सदस्य। सर, आपने ये सदन का याद दिलाया। एक मिनट माने सदस्य, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर, एक मिनट, एक आदमी ने, एक आदमी ने एक एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, या ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए ट्रेजिकली ओवर क्या 700 फार्मर्स डाइड। 700 फार्मर्स डाइड। व्हाट डिड यू डू? यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। यू पीपल हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। इन 2020 सर, दिस कंटेंशियस फंबल्स पास्ड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। सर, दिस बिल्स स्पार्क मैसिव प्रोटेस्ट एज फार्मर्स। सर, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज सर, ये जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे, मैं कह रहा हूँ सर, इनका दम है। नो, इनका सीने में दम है। आप अपनी बात कहिए, और अगर हिम्मत है नो, तो ये चुनौती मत दीजिए। आप अपनी आई एम गिविंग देम, आई एम चैलेंजिंग देम टू कम। नो, चुनौती मत दीजिए सदन में, डिबेट विद मी। नो, चुनौती बाहर, चुनौती देना या चुनौती सदन में नहीं। सर, हार्श मेजर्स सच एज बार्ड वायर्स, सीमेंट बोल्डर्स एंड आयरन स्पाइक्स वर डिप्लॉयड ऑन द रोड्स टू ब्लॉक फार्मर्स फ्रॉम एंटरिंग द कैपिटल। दिस रिवील्स the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, aap, no. You don't know that the demonetization was done in 2016. No. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहे, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। PM टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। बेटा, तो मैं पढ़ के ही बोलूँगा सर। अपना नेता को जाके क्या? नो, नो। अरे, अपना नेता को जाके क्या? आप सदन के नेता के बारे में चर्चा मत करो, आप अपनी बात कहिए। आप अपनी बात कहिए। Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric.
Now I come to the last letter. Sir, T. माने सदस्य. T for please. Tragedy. माने सदस्य. Sir, T for tragedy. माने सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोलें 2016 के बाद तो 2019 नहीं. सर मैं. सर जवाहरलाल नेहरू का बात और लोग बोलेगा. पास सर. पास. सर. जवाहरलाल नेहरू का बात और लोग बोलेगा. कोई साठ साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे. सब बोलते मैं 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए. बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा. सर बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ. जब जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे. और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको सुपड़ है. वाह वाह सर वाह. बोलिए अपनी बात पे. डी फॉर ट्रेजेडी एंड दिस इज द ट्रेजेडी. द एग्जांपल यू ऑल सेट इन द हाउस, दिस इज व्हाई आई से टी फॉर ट्रेजेडी.